अपने पैसा बिना हम सब भीख मांगत रही। इलाहाबाद का नाम प्रयाग का इधर अमिताभ बच्चन का नाम रख दी थे अमिताभ बच्चन हो यही उमन 40 करोड़ रुपये नाम बदले में लगा होता है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी 5,000 का नोट निकाल दें, एक बार में ले लो, पूरा मार्केट में घूमो भजाने के लिए उसको। 5,000 का नोट निकाल दें, 2,000 से काम नहीं, सरकार चलाना। पैसे ऐसे हमेशा होते हैं। अरे जब से सरकार आई है तब से हमें बहुत तकलीफ है। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। आज हम खड़े हैं SBI के मेन ब्रांच में। नोटबंदी के लगभग 2 साल हो गए हैं और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से बड़ी लाइनें लगी हैं यहाँ पे, और जितने भी प्रतापगढ़ में ATM हैं उनके भी हाल दिखाएंगे। लेकिन अभी जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि नोटबंदी और GST, नोटबंदी के 2 साल बाद किस तरीके से अभी भी कैश की समस्याएं हो रही हैं। सीधा जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए भैया, आपको नोट पैसे की दिक्कत 2 साल बाद नोटबंदी की हो रही है क्या? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। क्या दिक्कत, किस टाइप? पैसे नहीं मिल रहे। दिक्कत यही है कि एक कोई ATM में पैसा भी नहीं है। आए आप बताइए, 15 ATM है, 5 में रहता है, 5 में नहीं 10 में नहीं रहता है। और लोग आप बताइए, पैसे के लेकर कोई दिक्कत हो रही? भैया सारी दिक्कत है, इसमें कुछ एक रुपया जेब में नहीं है। बिटिया की दवाई भरे आई ही, देख ले, बिटिया की दवाई भरे लेके आई ही, अब पैसे भरे घूमत ही दवाई ले। 2 साल हो गए नोटबंदी को लेकर, अभी भी लगता है कि पैसे की दिक्कत? भैया दिक्कत तो बिल्कुल है, हमें कोनो डॉक्टर नहीं ले, लेकिन बस हरते जान ले जो है सब करेक्ट है, जो नोटबंदी करे रहे सब ठीक है। कुछ और लोग हैं, अपने पैसा बिना हम सब भीख मांगत रही। इलाहाबाद का नाम प्रयाग का इधर अमिताभ बच्चन का नाम रख दी थे अमिताभ बच्चन हो यही उमन 40 करोड़ रुपये नाम बदले में लगा होता है। क्या समझा, 540 रुपये की डाई खरीदत रहे, 1450 कह दिया, 50 किलो बैग 42 किलो कह दिया, 340 रुपये में गैस खरीदत रहे 970 का ही दिया, सब्सिडी 300 भेज देता, हम सब चूतिया ही कहाँ। अच्छा, तो वही समस्या नोटबंदी को अभी पैसे के लेकर है। नोटबंदी का मतलब पैसों ही ना, नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, माल्या सब लेके भाग गए, नोटबंदियाँ ही बिना करे रहे हैं। हाँ, लगता है नोटबंदी से फायदा नहीं। फायदा क्या है सर, क्यों पीड़ा है सर, परेशान है लोग सर, एकदम परेशान है सर, एकदम परेशान है सर। 2 साल हुए अभी समस्या जस की तस बनी। एकदम सर, मम्मी को एडमिट किया हूँ, अल्ट्रासाउंड करा, आप नज़दीक से जा सकते हैं। एक लोग 1,500 रुपये जमा किए, मुझे निकालना 10,000 था, 1,500 निकाल के गया, अल्ट्रासाउंड का पैसा दे के आया, फिर से पैसे लाइन में लगाऊँ। लाइनों को जरा दिखा दीजिए, कितनी बड़ी लाइनें लगी है। ये लगभग SBI का मेन ब्रांच है, पैसे की ये इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है। नोटबंदी के 2 साल हो गए हैं। कुछ और लोग हैं, आप बताइए काका कि कितनी देर से लगे? भाई हम तो 4 दिन से आ रहे हैं जा रहे हैं, दीवानगंज से आते हैं, 4 दिन हो गए, अभी तक पैसा नहीं मिला, लाइन में हूँ। गुस्सा तो यही लगता है कि मोदी सरकार अब जाए गुजरात में चाय बेचें। हाँ, उनकी बस की बात नहीं सरकार चलाना। हाँ, तो पैसे ऐसे हमेशा होते हैं या फिर आज कोई नहीं? अरे जब से सरकार आई है तब से हमें बहुत तकलीफ है। हाँ, जरूरत नहीं है ऐसी सरकार की। आप बताइए, आपको लगता है कि नोटबंदी से पैसे हमेशा नहीं रहते बैंक में, ATM? नहीं, ऐसा बात नहीं, एक पैसा नहीं रहता हरदम, लेकिन आज 4-5 दिन से यही दिक्कत आए हैं कि पैसा बैंक में नहीं है, जहाँ देखो वहाँ भी बंद रहता है ATM। पैसा तो हर ATM में खत्म है, जो है कहीं पे नहीं है, बैंक भी दीपावली के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद है, कहीं भी पैसा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है? मैं तो कहता हूँ मोदी जी 5,000 का नोट निकाल दें, एक बार में ले लो, पूरा मार्केट में घूमो भजाने के लिए उसको। 5,000 का नोट निकाल दें, 2,000 से काम नहीं चल पा रहा है, काम नहीं चल पा रहा, मतलब 2 साल पहले नोटबंदी जो हुई थी उससे लगातार अभी वही समस्या ना भाई साहब। आज प्रतापगढ़ आज शहर में देखिए, सिर्फ SBI के ATM छोड़ के और सारे ATM बंद है। आज आप कहीं भी पूरे शहर में घूम के आइए, आपको यही भीड़ मिलेगी और यही पैसा भी आपको मिलेगा। और प्रतापगढ़ में बैंकें नहीं है, ये क्यों समस्या आ रही भाई? SBI क्यों, SBI में अकेले अकाउंट लोग खुलवाए हैं, सभी बैंकों में तो अकाउंट है सबके, तो क्यों ऐसी समस्या हो रही है? सभी में पैसा होना चाहिए ना। महिलाएं हैं, महिलाएं से जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आप लोग बताइए, नोटबंदी को लेकर जिस तरीके से होता पैसे की अभी भी दिक्कत हो रही है? बहुत बहुत सारी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कब से लाइन लगा के 1 घंटे से खड़े हैं, कोई कुछ सुविधा ही नहीं है, क्या बताएं क्या। अच्छा, आप इसी तरीके से हमेशा नोट लाइन लगी रहती है? हाँ, इसी तरीके से लाइन, सारे ATM में पैसे नहीं मिलते? नहीं, इसी तरीके से। महिला हो या अच्छा युवा हो, लगातार ही आप देख सकते हैं किस तरीके से SBI का मेन ब्रांच है ये, और सरकारें कहती हैं कि 2 साल बाद समस्याएं खत्म हो रही हैं, लेकिन इन लोगों का साफ साफ कहना है कि नोटबंदी के 2 साल भेद बाद भी पैसों की किल्लत ATM में बनी है, इतनी बड़ी लाइन लगी है। जाहिर सी बात है कि प्रतापगढ़ में किसी भी ATM में पैसे नहीं निकल रहे हैं,
तभी इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। और इसमें भी कब तक पैसे चलते हैं ये भी कुछ कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन लगने का मतलब है कि पैसे एक दो घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। नोटबंदी के 2 साल होने के बाद भी जनता परेशान है। किस तरीके से? पैसे को लेकर? पैसे को लेकर खास तौर से परेशान है। जब लगन का सीज़न आता है तब ATM बंद हो जाता है, नोटें मिलना बंद हो जाती हैं, आदमी परेशान, जनता परेशान होगा, दुकानदार परेशान होगा। हाँ, और सबसे पहली चीज़ दिक्कत ये रहती है कि बैंकों में नेटवर्किंग फॉल्ट हर समय रहता है, सर्वर हर समय डाउन रहता है, कोई सिस्टम ही नहीं है। पैसे को लेकर अभी भी दिक्कत है नोटबंदी के 2 साल? पैसे को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, GST पे आते हैं, GST 1.5 साल हुआ, तो GST का अब लगता है कि व्यापारियों को GST देने में सब आसानी से समझ में आ चुका है? आसानी से समझ में तब आएगा जब GST का सही सिस्टम लगेगा, सही सिस्टम लग नहीं रहा है। अच्छा, अभी क्या दिक्कत है GST? दिक्कत ये है माल सामान आने में कोई भी चीज़ का सही मूल्य नहीं निकल पाता है। अब कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए, अगर 600 का प्राइस है, वहाँ से ही 650 का दे रहे हैं प्लस GST लगा के दे रहे हैं, तो आदमी को महंगा पड़ेगा ही। जब महंगा पड़ेगा तो आदमी आके महंगा बेचेगा, जब महंगा बेचेगा जनता ये परेशान हुई GST लग जाने के बाद भी प्रोडक्ट महंगा क्यों है। अच्छा, आप लोग GST भरते हैं? GST रेगुलर भरते हैं। अच्छा, तो लोग ये कहते थे पहले कि कपड़ों को लेकर सूरत में बड़ा व्यापार हुआ था, तो उस तरीके से आपके जो रेट थे वो अब सब समझ में आ गए हैं, GST सब कोई दिक्कत उतना? GST से हमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत जनता को है, क्योंकि जनता को प्रोडक्ट अगर महंगा मिलेगा तो जनता परेशान होगी, जनता परेशान, उसी जनता में हम भी आते हैं। आज हम कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, कल हम दूसरा प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो हम भी एक कस्टमर बन के जाएंगे। यानी 1.5 साल बाद भी अभी GST समझ में और जनता के तौर पर के नहीं, टैक्स तो पहले भी लगता था, GST कोई भी लगता था, पर GST का जो रूल बताया गया उस हिसाब से GST का सही नियम फॉलो नहीं हो रहा है। रूल रेगुलेशन में थोड़ी दिक्कत है, सरकार को अभी भी थोड़ा कुछ सुधार करना चाहिए। कुछ और व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे भी जानने की। आप बताइए भैया कि नोटबंदी और GST, नोटबंदी 2 साल हो गए हैं, क्या अभी कैश सर्कुलेशन हो रहा है या कोई दिक्कत है? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है लोगों को। जैसे कहना है कि बैंक बंद है तो सर्वर की प्रॉब्लम है, वो कोई गवर्नमेंट से उसका ताल्लुकात नहीं बनता है, सर्वर है, सिस्टम है, अपना ही ATM कार्ड ATM में लगाने जाते हैं, नॉट एग्जिस्ट बताता है, दूसरे ATM में जाते हैं लग जाता है, पैसा कैश हो जाता है, बहुत पैसे की बड़ी बात है। अगर जैसे 10-20 हज़ार 50 हज़ार की ज़रूरत है तो उसके लिए तो हमेशा से परेशानी आ रही है। उसके लिए सरकार ने कहा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का उपयोग, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं हम, जैसे पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल में कैश लेते हैं, माल शॉप में गए कोई सामान ले रहे हैं तो उसमें जो है ATM से अपना कैशलेस कर रहे हैं, किसी दुकान पे भी जाते हैं तो वहाँ भी कोशिश करते हैं कि ले लें। अच्छा, दो साल जब नोटबंदी हुई थी तो जो समस्याएं थी अब वो समस्याएं नहीं? आप नहीं, विशेष कोई समस्या नहीं है, हो गई, साल वो हो गई है, लेकिन ये है कि जनता को हर तरीके से हम जो है संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, GST को लेकर आप व्यापारी हैं? हमारा जो है ARP इंटरप्राइजेज है, RO का काम चलता है हमारा। उसमें क्या GST वगैरह उसमें लगती? GST लगती है, जब माल मंगवाते हैं तो उसका GST देते हैं। आप लोग समझ में आए हो, सब सही चल रहा है? हाँ, सब सही चल रहा है और आगे सही भी चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। और व्यापारी आप बताइए भैया, GST और नोटबंदी सही चल रहा है? जी सर, सही चल रहा है। GST से थोड़ा प्रॉब्लम है, GST के जो रूल हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हैं और आम जनता को समझने में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ज़रूरत है कि इसमें थोड़ा सुधार किया जाए, इसको और इजी बनाया जाए जिससे कि हर लोग समझ सकें। रही बात नोटबंदी की, तो नोटबंदी की सारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो चुकी हैं और जैसा कि त्यौहार आता है तो फिर इसमें सबको पैसों की आवश्यकता होती है, बैंक भी बंद हो जाती है तो ATM में पैसे नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से पब्लिक को पहले भी प्रॉब्लम होती थी वो अभी भी हो रही है, उसमें कोई वो नहीं है। GST में आपने कहा प्रॉब्लम हो रही है, तो किस तरीके से कोई एकाध GST का जो रूल है वो बहुत डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा ईजी बनाना चाहिए जिससे हर पब्लिक को समझ। अभी जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को GST समझने के लिए एक लॉयर रखना पड़ता है जिसको हम लोग मंथली 1,500 रुपया देते हैं, लॉयर होता है या फिर CA का कोई होता है। तो आप लोग GST भरने के लिए कहाँ जाते? बस लॉयर हमारी पूरी फाइल मेंटेन करता है, CA जो भी है वो फाइल मेंटेन करता है, जो भी होता है हम वहाँ से टैक्स देते हैं। तो व्यापारियों का कहना है कि थोड़ा GST में सरकार को ढिलाई करनी चाहिए, रूल और रेगुलेशन थोड़े सही सरल तरीके से बदलना चाहिए, क्योंकि जो छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं वो समझ सकें। तो रही आपको? हमें तो देखिए मेन चीज ये है कि व्यापार हम एक सरल तरीके से व्यापार करना चाहते हैं और इस समय हर पग पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब GST है तो वहाँ लगा, ये लगा, मान लाए बेचे छुट्टी मिली थी, अभी ये सब रोज रोज आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रही। GST से अभी भी दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत। किस तरीके की दिक्कत? अरे
हर तरह की दिक्कत है, हिसाब किताब कापी दुनिया भर का काम बहुत बढ़ गया है, काम जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब जीएसटी से काम किस तरह, कुछ आप समझा सकते हैं जीएसटी से क्या थोड़ी दिक्कत? मतलब अब एक जब कम पढ़ा लिखा आदमी है उसको एक समझने में दिक्कत है। नोटबंदी के 2 साल हुए, तो नोटबंदी से आपको लगता है कि अब आपके जो बिजनेस है ठीक चलने लगे? नहीं, नोटबंदी तो अपनी जगह है, वो अपनी जगह चल रहा है। नोटबंदी ठीक है? नहीं, तो नोटबंदी सही है। जीएसटी अभी भी कुछ व्यापारी का कहना है थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, हालांकि सरकार ने लगातार अपने जीएसटी के रूल्स में लगातार चेंजेस कर रही है ताकि व्यापारी समझ सके अच्छी तरीके से।